हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आरबीआई ने मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, यानी अगर आपने कोई लोन लिया है तो 31 अगस्त 2020 तक आप अपने ईएमआई को और 3 महीने के लिए डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ सभी एनबीएफसी कंपनियों ने भी अपने कस्टमरों के लिए 3 महीने का जो मोरेटोरियम टाइम है बढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि अगर आपने बजाज फिनसर्व का कोई लोन ले रखा है तो उसके लिए आपको मोरेटोरियम टाइम अप्लाई कैसे करना है, मोरेटोरियम टाइम अप्लाई करने से पहले आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और यदि आप बजाज फिनसर्व का मोरेटोरियम टाइम अप्लाई करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। बजाज फिनसर्व कंपनी का मोरेटोरियम टाइम अप्लाई करने के लिए बजाज कंपनी ने कुछ टर्म एंड कंडीशन है अपने कस्टमरों के लिए रखे हैं, यानी उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके ही आप मोरेटोरियम टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बजाज फिनसर्व कंपनी के लोन ईएमआई के लिए अगर आप मोरेटोरियम टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो 29 फरवरी 2020 से पहले आपकी बजाज का अगर कोई लोन है तो उसकी 2 ईएमआई से ज्यादा बाउंस नहीं हुआ हो। सेकंड में, अभी आप मोरेटोरियम है जो जून जुलाई और अगस्त महीने का, अभी आप मोरेटोरियम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी महीने का मोरेटोरियम टाइम चाहिए तो उससे पिछले महीने की 26 तारीख से पहले आपको मोरेटोरियम टाइम एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको, मान के चलिए, अगर आपको जून का भी मोरेटोरियम चाहिए, जुलाई का और अगस्त का अगर मोरेटोरियम टाइम चाहिए तो जून मोरेटोरियम के लिए आपको 26 मई से पहले आपको मोरेटोरियम टाइम एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। यानी अभी 26 तारीख से ज्यादा हो गई है तो आप जून के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप जुलाई और अगस्त महीने के लिए मोरेटोरियम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मोरेटोरियम टाइम अप्लाई नहीं किया और कंपनी की तरफ से मोरेटोरियम की आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, और अगर आप ईएमआई को नहीं भरते हैं, तो बजाज कंपनी का कहना है कि हम इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई पेनल्टी और चार्ज लगाएंगे कि आपने लोन की ईएमआई नहीं भरी और आपने अगर मोरेटोरियम टाइम भी अप्लाई नहीं किया तो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्जेस आपके ऊपर थोपा जाएगा। यदि आप मोरेटोरियम टाइम अप्लाई करते हैं तो बजाज कंपनी ने कहा है कि हम 24% का जो इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे कस्टमरों से वसूलेंगे, जो एक बहुत ही बड़ा जो ब्याज की रेट है, आप लोग देख लीजिए, 24% इंटरेस्ट आपसे मोरेटोरियम के ऊपर वसूला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो प्लीज मोरेटोरियम मत अप्लाई कीजिएगा, मोरेटोरियम मत लीजिएगा, क्योंकि 24% जो इंटरेस्ट रेट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान आप जब लोन की ईएमआई भरोगे और धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो एक बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट आपकी जो लोन ईएमआई पर पड़ेगा। तो दोबारा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी लोन ईएमआई की अगर आप पेड कर सकते हैं किसी भी हालात में तो प्लीज़ आप लोन ईएमआई के ऊपर मोरेटोरियम मत लीजिए। इसके ऊपर 24% बजाज फिनसर्व कंपनी चार्ज कर रही है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आप मोरेटोरियम टाइम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व मोरेटोरियम के लिए आपको सिंपली बजाज फिनसर्व की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको विजिट करना है। वेबसाइट के अंदर जाके आपको रेज रिक्वेस्ट का जो कॉर्नर है, आप इधर दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए और उधर आपको कोविड-19 मोरेटोरियम का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, और आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।